लॉकडाउन में पुलिस की मौजूदगी के बाद भी राजधानी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। ताजा मामला है पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट रोड इलाके की, जहां तीन बाइक पर सवार चार नकाबपोश लुटेरों ने मारूफगंज के किराना व्यवसायी का पीछा कर पिस्तौल के नोक पर झोले में रखा 6 लाख रुपए की लूट की। साथ ही व्यवसायी का बाइक भी लेकर फरार हो गए। वहीं लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित व्यवसायी के बयान पर मामला दर्ज कर घटनास्थल की छानबीन की। पुलिस की टीम ने लुटेरों की सुराग लगाने के लिए आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का प्रयास भी किया। पीड़ित किराना व्यवसायी का कहना था कि वह मारूफगंज मंडी से अपने किराना का दुकान बंद कर घर लौट रहा था, तभी तीन बाइक पर सवार नकाबपोश लोगों ने पीछा कर घेर लिया और दो लुटेरों ने आगे और पीछे से दो पिस्टल तान कर हथियार के नोक पर झोले में रखा रुपया छीन कर फरार हो गए। गाड़ी छीन लिया, झोला छीन लिया, दुकान के सामान वान सब छीन लिया। क्या कहाँ से आ रहे हैं? मारूगंज दुकान से। क्या क्या था झोला में आपको? झोला में आज का कलेक्शन है, बिक्री है, पत्ती है, पूजा पत्ती है, तगादा वाला। कितना रकम था? वही है 5 से 6 के बीच में होगा, गिना हुआ नहीं है। 5-6 क्या? 5-6 लाख के बीच में है। कैसे, किस गाड़ी से था वो लोग? वो लोग दो चक्का से था, तीन गाड़ी पर चार आदमी। और क्या किया उसके बाद? आया गाड़ी में सटा दिया, बोला कि रोकी रोकी हमको क्या बात है जी, गाड़ी में धक्का काय मारा? तो कहा उतने में बोलते बोलते पीछे से गाड़ी वाला आया, वो हमको पीछे से गिरा दिया, ऐसे गाड़ी से उतरो। फिर चौथा आदमी आया तो गाड़ी छीन लिया। आखिर न्यूज 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।